इस वीडियो में हम समझेंगे मेंडिलीव पीरियोडिक टेबल जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूलंस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रिजेक्ट हो गया इसके बावजूद कई साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पैटर्न को समझाने के लिए रिसर्च जारी रखा हालांकि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए मित्री लानोविच मेंडिलीव को क्रेडिट जाता है जो कि एक रशियन केमिस्ट थे पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में मेडेलीव का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा जिसमें कि एलिमेंट्स को उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया गया था जब मेंडेलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया तब तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे और उन्होंने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिटवीन रिलेशनशिप को एग्जामिन किया। ने केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उन एलिमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड बनाते थे उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत रिएक्टिव एलिमेंट माना जो कि ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते थे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूला को एलिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज माना गया मेडिलीज ने 63 कार्ड लिए और हर एक कार्ड पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को शॉर्ट आउट किया और एक साथ वॉल पर पिन किया उन्होंने पाया कि ज्यादातर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जगह बना रहे हैं और अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं साथ में ये भी पाया गया कि पीरियोडिक टेबल में आने वाले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी इस बेसिस पे मेंडेलीव्स ने पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया जो ये बताता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का फंक्शन है थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल